जी सर। नमस्कार जी, कॉलेज से नमस्कार। ये मेरा जूनियर वर्ल्ड में अब्दुल मेडल आया था, पक्ष है की बार से हो रहा है जी। अगली बार जरूर गोल्ड की कोशिश की, गोल्ड लाऊंगा। और मैं टारगेट पे जी मारा एक इसका जो सीनियर वर्ल्ड का है, सीनियर वर्ल्ड में क्वालीफाई कराएंगे। ओलंपिक की कल हंजिया का आशीर्वाद है, हम कल हंजी मंदिर है सारे सुधीर कल हंजी हिंदी उसका है भाई है बड़ा भाई साहिल है। आप अपनी मेहनत से कितना खुश है और अपने जो आपने लक्ष्य प्राप्त किया क्या उससे संतुष्ट हुए हैं? मेहनत करी थी इसके हिसाब से वो कम है, और ज़्यादा मेहनत करेंगे और लक्ष्य तो ओलंपिक ही का। इसमें ये सब आप लोगों का सब परम पिता परमात्मा का और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। जो बच्चे इतने एशिया और वर्ल्ड लेवल पे छाए हुए हैं, मैं पिछली बार भी आपको बताया था, हमारे अंडर 15 में भी 3 मेडल आए हैं फ्री स्टाइल में, और कैडेट में भी हमारे 2 मेडल एशिया में आए, 1 वर्ल्ड में आया है। जूनियर में भी हमारा 1 वर्ल्ड में फ्री स्टाइल में आया है, और सुमित परसों सुमित का आया है जो सिल्वर मेडल आया है, जो गोल्ड आते आते रह गया सुमित से, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। पिछले 2 महीने हमारे 10 बच्चे इंटरनेशनल जो गए हैं भारत खेलने, और उनमें से कम हमारे 8 बच्चों ने मेडल जीते हैं। तो बहुत नए बच्चे हैं बिल्कुल, तो इनसे बहुत आगे बहुत अच्छी उम्मीद है हमें। ये एशियन गेम्स वर्ल्ड सीनियर वर्ल्ड है, ओलंपिक है, हमारा जो मेन टारगेट है उसमें एक दिन जरूर ये भारत का नाम रोशन करेंगे। सुमित की मेन उपलब्धि क्या एक गौर बार बताएंगे प्रधान जी? सुमित की सबसे अच्छी थी ये वर्ल्ड लेवल पर लगातार 3 साल से जीत रहा है जी। सबसे पहले ये 2021 में वर्ल्ड कैडेट में ब्रॉन्ज आया इसका, जो पिछले साल खुद जूनियर में वहाँ पर ब्रॉन्ज आया इसका, उसको ब्रॉन्ज को अब इसने सिल्वर में बदला है। उम्मीद हमें यही रहती है अगली बार गोल्ड लाएगा, और चलो सिल्वर आया तो अगले साल यही रहेगी गोल्ड लाएगा, और आगे अब सीनियर वर्ल्ड है, ओलंपिक गेम्स है, एशियन गेम्स है, तो उन्हीं की तैयारी चलते और बहुत ही होनहार लड़का है। ऐसे आप सबका आशीर्वाद रहा तो ज़रूर ये बच्चा एक दिन अपने देश का नाम जरूर रोशन करेगा। उम्मीद का मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें अब की बार पूरी उम्मीद थी गोल्ड मेडल लेके आएगा, पिछली बार इसका ब्रॉन्ज मेडल रह गया था, तो ये उम्मीदों में खरा भी उतरे और बहुत अच्छी तरीके से इसने सारी बाउट लड़ी। तो अब कह सकते हैं थोड़ा अनलक्की रहा ये, थोड़ा चली तो एक कुश्ती पर जो हम सोच रहे थे उस तरीके से नहीं हो पाया, तो उसकी तो भरपाई एक बार मैं आऊँगा। और मेन टारगेट हमारा वे ट्रायल है सीनियर की, सीनियर वर्ल्ड की है, तो उसमें ओलंपिक क्वालीफाई होने हैं, तो परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो हम उसमें सेलेक्ट होके यही कोशिश करेंगे ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करें, और अपने देश का नाम रोशन करेगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। नहीं तो मन्ना गिर है इस साइड आ जा भाई, इस साइड आ जा। ज्यादा करती है